हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ओके, सो यस, मैं अपने मेकअप रूम में बैठ के अपना मेरा मेकअप हो रहा है, लाइक ऑलमोस्ट डन। सो मुझे एक टॉपिक पे, मुझे बहुत टाइम से ना मेरा मन था कि मैं इस बारे में कुछ बोलूँ। इट्स लाइक मतलब इंडिविजुअली तो मैंने मतलब बहुत लोगों से इस बारे में ऐसे ही बोला है मैंने कि मैं कैसा फील करती हूँ, ऐसा क्यों होता है। सो बट मुझे लगा इस पर मैं कब से मेरा मन था कि मैं इस पर एक ब्लॉग बनाऊँ। क्या आई एम श्योर ये सारी लेडीज़, सारी मदर्स, वर्किंग लेडीज स्पेशली ये चीज़ों को फेस करती हैं। हाँ, इनफैक्ट वर्किंग लेडीज़ क्या मतलब जो लोग सारी हम सब वर्किंग लेडीज़ हैं, जो घर पे होती है वो घर का काम कर रही होती है, देर ऑल्सो वर्किंग लेडीज़, राइट। सो मेरा ये कहना है वर्किंग मदर स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, ऑल मदर्स, कि ऐसा क्यों होता है कि जब जब आप लाइक जब आप पहली बार जब आप काम करने बाहर जाते हो और आपका बेबी लाइक छोटा है, छोटा है मतलब 1 साल का है या 6 महीने का है या व्हाटएवर, तो लोगों के मन में ये सवाल क्यों आता है कि अरे आप अपने बच्चे को छोड़ के कैसे आ गए, वो आपके बिना रह लेता है, अरे बेचारा कैसे रहता होगा, अच्छा अरे उस बेचारे को अकेला छोड़ के आ जाते हो, मतलब क्यों, मतलब ये सवाल क्यों आता है, ये सवाल सिर्फ हम फीमेल्स के लिए क्यों आता है। ओके, मेरा ये कहना है कि जब भी जब किसी कोई यू नो आफ्टर द डिलीवरी, ठीक है, कोई भी मेल आपका हस्बैंड, ओके, जब वो आपको ठीक है छोड़ के मतलब जैसे अभी आपकी डिलीवरी हुई है उसके 3 दिन के बाद से अगर हस्बैंड काम पे जाता है तो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। को ये नहीं पूछेगा कि अरे वाइफ को छोड़ के काम पे आ गए हो या बेबी को छोड़ के काम पे आ गए हो, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक मदर मतलब माय बेबी जोनी ही इज 17 मंथ, ओके, आज भी मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि वो आपके बिना अकेले कैसे रह लेता है, मैं जवाब ये देती हूँ कि माय हस्बैंड नितेश ही इज़ देयर एट होम, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी बहुत सारी चीज़ें घर से काम चल रही होती है, लाइक जो भी मीटिंग्स होती हैं सब जूम कॉल पे होती है या ही इज़ देयर एट होम, ओके। तो मुझे ये लगता है कि सवाल तो भी मुझसे पूछते हैं लेकिन वो अरे तो वो उनके साथ कैसे रह लेता है, वो रह लेता है अपने पापा के साथ बिना मदर के, क्यों, वो भी तो फादर है, राइट, वो क्यों नहीं रहेगा अपने फादर के साथ। इनफैक्ट मैंने बहुत लोगों को ये भी बोलते हुए देखा है, सुना है बहुत सारे कुछ मेल्स ऐसे हैं कि अरे बाप रे, मैंने तो आज तक कभी अपने बेबी का आई हैव नेवर क्लीन माय बेबीज पॉटी और आई हैव नेवर मीडियम लाइक यू नो उसको बात कराना, उसको बैथिंग कराना या मसाज करना, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैंने कभी कुछ किया ही नहीं है। सो ये कोई बहुत बड़ी प्राउड वाली बात नहीं है, ओके, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जोनी ये सारी चीज़ें देखता है कि कैसे उसके मदर उसके फादर दोनों ही उसके लिए इक्वल लेवल पे करते हैं। इट्स नॉट कि अगर आप फीमेल हो, अगर आप मदर हो तो इट्स जस्ट योर थिंग दैट यू शुड डू। डेफिनेटली अगर फादर नहीं करेंगे, अगर फादर कुछ चीज़ें नहीं करेंगे तो मदर को करना पड़ेगा, मदर नहीं करेंगी तो फादर को करना पड़ेगा, बहुत जगह शायद ऐसा, बट ये बहुत रेयरली होता है। मोस्टली क्या हो जाता है कि फादर्स को लगता है कि मेल्स को उनको ये ऐसा हो जाता है कि ठीक है ये तो कर ही लेगी टाइप्स, है ना, बट नो आई डोंट नो, आई ऑलवेज मुझे हमेशा ये लगता है कि इट शुड बोथ, बिकॉज वी बोथ आर पेरेंट्स, तो दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यार, ये प्यार है यार, प्यार, ओके। तो मुझे भी बहुत बार लोगों ने मुझसे पूछा है, मैं जब शूट करना शुरू किया, मुझे ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया है शो करते हुए, तो ऑब्वियसली एज अ मदर मुझे पता है कि पहले तो एक गिल्ट आता है कि अरे यार मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ लाइक यू नो, बट मैं अपना टाइम देती हूँ यार, मुझे पता है मैं उसको कितना टाइम देती हूँ, क्या करती हूँ उसके लिए। मॉर्निंग के टाइम पे हम दोनों साथ में मस्ती कर रहे होते हैं, मैं घर आती हूँ उसके बाद हम मस्ती कर रहे होते हैं, बीच में हमें मुझे भी ऑफ मिलता है तब हम साथ में होते हैं, तो मैं मुझे नहीं लग रहा कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ, सच में मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है मैं उसको प्रॉपर दे रही हूँ टाइम। बट ये सवाल जो बार बार कुछ लोग पूछते हैं ना मुझसे, तो मैं उनको बता तो देती हूँ कि ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि लाइक मेरे बिना रह लेगा, मतलब फादर तो है ना घर पे, तो
तो भी जवाब आते हैं, नहीं, एक मदर के बिना कोई कैसे रह सकता है आपका? वो उन लोगों के लिए होगा जिनके शायद से जो फादर्स होते हैं, जो मेल्स जो होते हैं, वो ज़्यादा कुछ करना नहीं पसंद करते हैं, इजी वे आउट हो जाता है ना कि यार छोड़ो ना, हम नहीं करते, ये शायद उन लोगों के लिए होगा। और ये जो प्रथा है, ये चीज़ें जो है कि माँ को ही सब कुछ करना है, पहले क्या होता था कि लेडीज़ जो फीमेल्स होती थी वो काम शायद बाहर का काम नहीं करती थी, घर पे घर का ही काम संभाल रही होती थी, तब शायद से ये बनती आई है चीज़ें कि मदर को ही सब संभालना पड़ता है। बट अब तो दोनों ही काम कर रहे होते हैं यार, तो ये बात क्यों एक मदर को बोली जाती है कि कैसे आप छोड़ के आ जाते हो अपने बच्चे को? मतलब आजकल के लोग अपने बच्चे को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। नहीं, मैं 101% श्योर हूँ कि मैं अपने जोनी पे पूरा ध्यान देती हूँ। एंड आई विल टेल यू, जब से वो हुआ है अब तक, लाइक मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब जैसे बोलते हैं ना, बहुत बार हम, आई हैव अ 24/7 माई हेल्पर विद मी, माई हेल्पर इज देयर टू प्ले विद माई जोनी, लाइक उसके साथ खेलने के लिए, उसका ध्यान भी रखती है, शी इज़ वेरी नाइस, बट आई ऑलवेज प्रिफर, मतलब अब तक उसको नहलाना हो या उसको मसाज कराना हो, इट्स ऑलवेज या तो मैं करती हूँ या नितेश करते हैं। सो बट मैं ये बोल के एक्चुअली किसी को कुछ प्रूफ नहीं कराना चाहती हूँ, जिनके घर पे ये चीज़ें, जिनके घर पे उनकी हेल्पर भी कर रही है, इसमें माँ का कोई प्यार कम नहीं हो जाता अपने बच्चे के लिए? ऐसा नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए सब कर रही होती हैं। मुझे लोगों को ये बोलना है कि जस्ट स्टॉप टॉकिंग अबाउट कि वो क्यों कर रही हो, अरे यार उसका खुद का बच्चा, वो क्यों उसका ध्यान नहीं रखेगी? ऑब्वियसली यार, तुम लोगों से ज़्यादा उसको परवाह है, एक मदर को अपने बेबी के, तुम सब लोगों से, बाहर वाले लोगों से ज़्यादा एक मदर को अपने बच्चे की परवाह होती है। लेकिन उनके लिए ये बोलना कि यार, मतलब हाउ यार, कैसे यार, क्यों, मतलब वो मिस नहीं करता है क्या? आप कैसे मैनेज कर लेते हो बेचारा, मतलब कैसे रह लेता है बेचारा? अरे क्या बेचारा, मैं, ट्रस्ट मी गाइस, मैं उसको रोज़ प्यार से, जब मैं आती हूँ शूट के लिए, पहले मैं अच्छे से बाय बोल कर आती हूँ, फ्लाइंग किस देख कर आती हूँ, छुप छुप के नहीं निकलती हूँ मैं कि नहीं, मैं छुप के निकल गई, नहीं, उसको पता है कि मैं कहीं बाहर गई हूँ। सो मुझे पता है, इसके बावजूद भी बहुत बार लोग मुझसे पूछेंगे सवाल, और बहुत बार मैं ऐसे लोगों को, शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मैं कुछ उल्टा जवाब देना नहीं पसंद करूँ, क्योंकि अब पूछ रहे मैं क्या बोलूँ, प्यार से एक स्माइली दे देती हूँ कि हाँ नितेश है, उसके बाद भी लेकिन सवाल आता है कि वो कैसे रह ले?